अराउंड 12 से 15 कैसल्स आए। तो लास्ट टाइम जब हम आए थे हम यहाँ नहीं गए थे। आया हूँ कुछ तो लेके जाऊंगा। सेम हम जा रहे हैं जो स्ट्रीट है, इस स्ट्रीट का नाम है रोमांटिशा स्ट्रासा, दैट्स रोमांटिक स्ट्रीट। एंड ये इस स्ट्रीट का नाम क्यों है वो हम आपको अभी दिखाते हैं। बहुत ज्यादा कर्वी है। हेलो एंड वेलकम टू वर्षिता'स देसी लाइफ अब्रॉड। सो आज ये सवारी कहाँ निकली है? आज हम जा रहे हैं वापस से म्यूनिक। अच्छा, म्यूनिक में कहाँ से जा रहे हैं हम? सेम अपने सेम ही डेस्टिनेशन, अपने बेटी दिमाग के यहाँ पे। क्या तो सही रास्ता है, पूरा जंगल झाड़ से गुजर रहे हैं। बट यहाँ के जो रास्ते हैं वो बहुत ज्यादा कर्वी है तो बहुत स्लो चलाना पड़ रहा है। पहाड़ के नीचे दिखेगा आगे। हाँ, यहाँ पर उन्होंने एक बैरिकेड लगाया हुआ है सेफ। ऐसे ही सीधा चले जाए तो जो स्ट्रीट है, इस स्ट्रीट का नाम है रोमांटिशा स्ट्रासा, दैट्स रोमांटिक स्ट्रीट। एंड ये इस स्ट्रीट का नाम क्यों है वो हम आपको अभी दिखाते हैं। हमें थोड़ी ब्रेक लेना जरूरत था तो हमने सोचा कि एक अच्छी जगह ब्रेक लेते हैं, तो why not कासल के पास है ना। है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। अगर आप इस रास्ते से जाओ और आप कासल में ना रुको तो इस रास्ते में जाने की तौहीन होगी। बहुत ही ज़्यादा सुंदर और मेस्मरिंग जगह है। सामने एक होटल है, यहाँ पर उस होटल का स्पा है एंड ये इसका एंट्री बिल्कुल एक कैसल के गेट की तरह है। एंड हम वहाँ पे पार्किंग करके वहाँ से आए हैं एंड आपको एक होटल का एक स्नीक पीक दे सकती हूँ। सिंस वी आर हम लोग वहाँ रहने वाले हैं नहीं तो आई नॉट श्योर हम लोग बहुत अंदर तक अलाउड है, बट हम लोग एंट्रेंस में जाकर एक छोटा सा एक वीडियो बना सकते हैं। तो ये है वो होटल एंड यहाँ पे होटल में जो गेस्ट्स हैं उनकी पार्किंग है। एंड अगर आप विला के लिए एक वहाँ पे एक डायरेक्ट एक्सेस है, वहाँ पे स्टेयर्स है कुछ। बहुत ही ज़्यादा प्रिटी। तो लास्ट टाइम जब हम आए थे हम यहाँ नहीं गए थे। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि कुछ ब्रिज है, कोई व्यू है आई गेस। तो एक बार ट्राई करने में आए हैं, सेकंड टाइम से एक बार ट्राई कर लेते हैं। भाई ये तो रास्ते से लगता है कोई गया नहीं 100 सालों से। वी आर लाइक वो कौन था गोगो, आया हूँ कुछ तो लेकर जाऊंगा। सेम आए हैं कुछ फुटेज तो लेकर जाएंगे। ये तो अरे यहाँ पे बहुत काटा लगा राजा। मुझे लग रहा है कि हम गलती कर दिया। अगर
क्योंकि रास्ता है रास्ता बहुत वियर्ड है। ये देखो ये जवान लड़की भाग भाग के जा रही है, हम बूढ़े लोग। हमें तो लग रहा है कि एंशिएंट टाइम, एंशिएंट कुछ भी नहीं है। ओ भाई, करना है कि मिशन अबॉर्ट कर दे। आई थिंक अबॉर्ट करना चाहिए, इधर कुछ भी नहीं दिख रहा मेरे को। इधर नहीं होगा बट डेफिनेटली और दूर है शायद, लाइन वाला जो है वो होगा। हाँ, हमें यहाँ पे अंदर कुछ एक छुपा हुआ मिला। मजा वो किसी के छुपने की जगह होगी। बू भाई, तो पूरी गुफा है, अंदर देख के आए क्या? कुछ भी नहीं अंदर। क्या यार, कुछ भी नहीं तो ठीक है। थोड़ी मूवमेंट हो गई। अब आए तो फोटो सेशन होना चाहिए ना। जल्दी ना, मच्छर है। 1 2 3 बन नीचे से लेता है। 1 2 3 आउ आउ, कांटे कांटे कांटे। बहुत ही छोटा सा क्यूट सा कासल है। गाड़ी कितना सुंदर है। क्या Zenith for my Anzan to go. They start the Allside Gastlishwa. मतलब? मतलब Sankt Gore से ऐसे ही बस साइड से ना निकल जाओ, क्योंकि ये सिटी, ये वो सिटी है जो कि बहुत ही गेस्टली था, गेस्ट फ्रेंडली। धीरे धीरे अंग्रेजी हिंदी सब भूलते जा रहे हैं लगता है। गजब व्यू। और ये है वॉशरूम, आप यकीन नहीं करोगे, यहाँ पे छापा कल है। एंड अगर आपको गर्म हवा चाहिए उसके लिए ये है वार्म लिफ्ट, ऐसे करने से यहाँ से गर्म हवा। बेसिकली ये हैंड ड्रायर है एंड अंदर भी बहुत ही क्यूट है। कैसा लग रहा है आपको छापा कर चलाते चलाते? मेरे को मेरे गांव की याद आ रही है। आशिता व्यू देखने की कोशिश, पर मैं आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ। पूरी राइन नदी जा रही है, उस पर शिप्स जा रहे हैं। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। इनफैक्ट ये जो सेटअप है ना, ये बिल्कुल मुझे गेम ऑफ थ्रोन्स की याद दिला रहा है। बस ये थ्रोन अलग होना चाहिए था। बहुत ही सुंदर। तो हमारा आज का सफर इस कैसल का सफर यहीं पर था। ये कैसल हमें इतना पसंद है एंड यहाँ पर बिल्कुल कम टाइम हमने गुजारा। हम डेफिनेटली यहाँ पे वापस आएंगे, है ना, हम यहाँ का डिटेल्ड टूर देंगे। बट सिंस आज टाइम का इतना ज़्यादा क्रंच है, तो हमें थोड़ा जल्दी निकलना होगा। इप्शिका भी बहुत बोर हो रही है बेचारी। बहुत बहुत मज़ा आया एंड एक्चुअली किसी को भी यहाँ निकलने का मन नहीं था, मगर हमें बहुत जल्दी से जल्दी म्यूनिक पहुँचना है। एंड तो हाँ, हम निकलते हैं। बीच रस्ते में सबको भूख भी लगना शुरू हो गया है। हाँ, सोच रहे रस्ते में एक डोनर उठा लेते हैं एंड फिर खाते खाते निकलते हैं। तो हमें बहुत बड़ी भूख लगी थी, बड़ी वाली भूख। सुबह कुछ खा के तो निकले नहीं थे जल्दी जल्दी, तो हम लोग अभी खा रहे हैं अलीना के हाथ का चौकोरी पीठा।
उस मोटा वाला डोसा फूड बहुत ही टेस्टी है, थैंक यू अलीना, बहुत अमेजिंग है। हाँ, अब खाते हैं थोड़ी देर बाद। बाय। अभी हम लोग मेन रोड पे आ चुके हैं एंड स्टिल वी कांट गेट ओवर द सीन। ये इतना सुंदर है यहाँ का व्यू, बिल्कुल बगल में नेकेड आई से तो व्यू विजिबल नहीं है, बट यहाँ पर नदी बह रहा है, नदी लेक, एंड बगल में रेलवे है, एंड यहाँ पर बिल्कुल मेन रोड में सब साइकिलिंग कर रहे हैं, वाटर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, एंड यहाँ पर बहुत सारे पैनोरमा रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स हैं। जा सकता है if anyone's interested. बिल्कुल बिल्कुल, we are very much interested. Always ready. देखना पड़ेगा कहाँ से, but यहीं से है रास्ता. But हाँ, यहाँ पर आप गाड़ी पार्क करके हम पानी के नीचे उतर सकते हैं, बिल्कुल पानी में खेल सकते हैं, धूप भी बहुत ज़्यादा लग रही है हमें, तो हमारा बहुत ही ज़्यादा impromptu second destination है पानी। हम बिल्कुल वरुणीत का, आप सबको पता है वरुणीत एक जर्मन सिटीजन बन गए हैं, तो जैसे हम लोग इंडिया में गंगा माई का आशीर्वाद ले लेते हैं, मैं राइन माँ का आशीर्वाद ले लेता हूँ, वरुणीत अपनी राइन माँ का आशीर्वाद ले लेते हैं, तो चलिए हम राइन माँ के आशीर्वाद के लिए साथ चलते हैं। तो हमने अभी कार पार्किंग में लगा दिया है एंड हमारे बिल्कुल सामने है, ए माल दे जा माल, ये तो बहुत ही चोपा था वर। सो हम आ गए यहाँ पर अब नदी के पास बिल्कुल, एंड बहुत ही ज़्यादा प्यारा व्यू, बहुत ही सीरीन, बहुत ही प्यारा। ये दोनों तो भाग गए पानी की, और ने सभी ने शूज पहना हुआ है, मुझे नहीं पता सभी क्या करेंगे। पानी पानी पानी, ये लोग पागल हो गए। वरुणीत ने ले लिया आशीर्वाद, बहुत बढ़िया। ले लिया मैंने राइन, राइन माता का आशीर्वाद ले लिया मैंने, अब जतरा अच्छा बनेगा। कोई अच्छा पत्थर ढूंढते हैं ना यहाँ से। हाँ, जैसे हमारा एक ट्रेडिशन है कि हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ से एक पत्थर एज अ सोविनियर लेकर आते हैं, हमें एज अ सोविनियर उस सिटी का कुछ लेकर तो आते हैं, बट पत्थर भी वहाँ का लेकर आते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों हमारे पत्थर चुनने वाले कोई अच्छा सा ढंग का पत्थर चुन रहे हैं जो हम वापस अपने आखन लेके जा सके। तो हमने फाइनली ले लिया अपना यहाँ का सोविनियर, बहुत ही प्यारा सा टेक्सचर्ड स्टोन। हो गया, बस अब हम लोग निकल रहे हैं वापस, और ज्यादा पिट स्टॉप्स नहीं लेंगे, है ना। आशिता बोल रही है कि लेंगे, कहाँ लेंगे आशिता? खाने के लिए। खाने के लिए लेंगे और हम ट्राई करेंगे, बट वी कैन नॉट प्रॉमिस यू। इतना सुंदर सा जगह है, हर 10-10 मिनट में मन कर रहा है रुक जाए रुक जाए। ठीक है, मन की माननी चाहिए, लेट तो होते रहते हैं। बात तो सही है, लेट तो होते रहते हैं, व्यू नहीं दिखते जल्दी। तो हमने डोनर की दुकान से डोनर भी ले लिया, और ये हमारा हो गया लंच का इंतज़ाम, हमें जब रास्ते में भूख लगेगी तो खा लेंगे। हम म्यूनिक शिवरा के यहाँ आते के साथ दोनों से हम काम कराना स्टार्ट कर दिए, एक से पानी भरवा रहे हैं, एक से रोटी बनवा रहे हैं।
उससे तो काम कराओ, कुछ काम नहीं करता है। आप रे दामाद से काम कराना पाप है, पर ये पाप हम करेंगे। गजब गजब खाना बनाया शुभ्रा ने, एकदम मलाई वाले चिकन, साथ में मस्त ठंडी ठंडी बियर। गिरी 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 तो भाई खा पी लिया। बहुत अच्छा खाना था। तो इतने देर ड्राइव करने के बाद, खाने पीने के बाद, अब अच्छी खासी नींद भी आ रही है, तो व्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं अब अगले व्लॉग में। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें, और हम आपको म्यूनिख और उसके आसपास के जगहों के दर्शन करवाते ही रहेंगे। मिलते हैं, बाय बाय।